अरे बड़े भैया, क्या एक्सपेरिमेंट करने में लगे हैं? हो गया, मेरा गैजेट ऑफ इंटेलिजेंस तैयार है। वो ये इंसान को पहले से ज्यादा इंटेलिजेंट बना देगा। सिर्फ गर्दन में एक चिप लगा के एक्टिवेट करना है। चिप लगाओ, इंटेलिजेंट बन जाओ। चिप हटाओ, वापस नॉर्मल बन जाओ। है तो वो चिप मुझे लगा दो, मैं और भी इंटेलिजेंट बनना चाहता हूँ। आ जाओ मोटू, इधर कुर्सी पे बैठो। है कर दिया वे? पतलू बुक्स को रोको जल्दी। मोटू मेरे भाई, मेरी यारी, तुम ठीक तो हो ना? है डॉक्टर झटका, मैं ठीक हूँ, लेकिन और भी ठीक होता अगर आप इस ड्रम की रोटेशन स्पीड 50,000 राउंड पर सेकंड से बढ़ा के 1,00,000 राउंड पर सेकंड कर देते, तो मुझे 440 वाट की जगह 220 वाट का ही करंट लगता और तकलीफ कम होती। ओके, कीप इट इन माइंड एंड इम्प्रूव नेक्स्ट टाइम। इफ यू नीड एनी हेल्प लेट मी नो। ओके, इस कार में हुआ क्या है? हेलो, कैन आई हेल्प यू? ओए, तुम क्या मेरी मदद करोगे? अब तो कोई मैकेनिक ही मेरी मदद कर सकता है। मैं देखता हूँ, डोंट वरी, स्टेप असाइड। ओए मोटू, ये कैसा कमाल था, यकीन नहीं हो रहा। बदलू, देखो देखो, मोटू ने मेरी टूटी फूटी कार एकदम नई कर दी। चलो टेस्ट ड्राइव करते। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा टेस्ट ड्राइव पे, तुम ही जाओ। क्या कहा, नहीं जाओगे? ओए चलो बैठो तुम सब, वरना मैं यही रुक के ऑब्जर्व करूंगा कि ये स्टार्ट ठीक से होती है कि नहीं, पिकअप ठीक है कि नहीं, और साइलेंसर से धुआं कितना निकल रहा है, उसकी डेंसिटी बराबर है कि नहीं। ओके ओके मोटू सर, मैं नहीं जानता आपको हुआ क्या है, बट यू आर जीनियस। ओए गाड़ी तो मक्खन की तरह चल रही है। क्या बात है? ओए, मेरी कार को प्लेन बना दिया। ओए याहू, इंटेलिजेंट मोटू जिंदाबाद जिंदाबाद। ओए, प्लेन उड़ाना आता है? नहीं आता, लेकिन सीख लूंगा। ओए, मौका मिलेगा तब तो सीखोगे। वो देखो सामने पहाड़ है। अरे आओ मोटू आओ, पतलू कहाँ है? अरे वो आता ही होगा। अरे भैया, तुम इस गैस का इस्तेमाल करते हो? ये गैस तो बहुत महंगी है। मैं तुम्हें नेचुरल गैस बना के देता हूँ, वो तुम्हें बहुत बहुत सस्ती पड़ेगी, क्योंकि वो सिर्फ पेड़ पौधों से बनती है।
अरे मोटू, तुमने तो कमाल कर दिया। ये सब कब सीखा है? मैं अभी आया। अरे ये क्या हुआ तुम लोगों को? अरे ऐसा लग रहा है कोई जंग लड़के आ रहे हो। अरे जंग तो अभी हो गई। मोटू को देखा है क्या? मैं उसका वो हाल करूंगा कि वो याद रखेगा। अरे अरे मोटू पे इतना गुस्सा क्यों? देखो उसने मुझे नेचुरल गैस बना के दी है, कितनी अच्छी जल रही है। अगर मोटू ने बनाई है तो अभी बंद कर दो इसे, अभी फौरन। अरे भैया इस पाइप को चूल्हे से लगा के गैस ऑन करना। तुम्हारा पाइप क्या है कि ज्यादा चौड़ा है, उसको इस्तेमाल करोगे तो तेज हवा चलने पे आग लगने का खतरा है ना? और सिलेंडर ब्लास्ट होने का खतरा है ना? हाँ, तुम्हें कैसे पता? अरे भैया ये सब पहले नहीं बता सकते थे? अरे मेरी पूरी दुकान ब्लास्ट हो गई और मेरी कार टूट फूट गई। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। एक मिनट, मोटू तुम लोगों की मदद करना चाहता था, उसका इरादा तो अच्छा था। चिंगमा, डॉक्टर झटका से मिले कि नहीं? जल्दी कुछ करो, यहाँ लोग घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। पूरा सुरश्री नगर के बर्बाद होने का खतरा है। 5 मिनट, ओनली 5 मिनट में मिसाइल यहाँ सुरश्री नगर में हिट कर जाएगा। अय्या अब्बा, ओ सॉरी बबलगम सर जी, मैं डॉक्टर झटका को ही ढूंढ रहा था, वो मिल गए हैं। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करता हूँ। क्या हुआ चिंगम सर? डॉक्टर झटका, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कमिश्नर बबलगम का फोन था। हमारे बगल के शहर सुरश्री नगर पे टेररिस्ट ने मिसाइल छोड़ दिया है। वहाँ हर तरफ अफरा तफरी भगदड़ मच गई है। 5 मिनट में मिसाइल वहाँ टकरा के सब कुछ बर्बाद कर देगा। क्या आप कुछ कर सकते हैं? हाँ, वो देखो वो जा रहा है मिसाइल। मिसाइल तो जा रहा है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ यार, उसे कैसे रोकूं? हैं? मैं उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। आई नीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपका वॉकी टॉकी दीजिए प्लीज। But how? कैसे? चिंगम ये कैसा चमत्कार है, मिसाइल अब ऊपर जा रहा है। सप्पा, ये तो मोटू का चमत्कार है, मिसाइल अब ऊपर जा रहा है। अब वापस घूम रहा है जिस डायरेक्शन से आया था, और अब नीचे हमारी तरफ आ रहा है। सर, मिसाइल अब पुरपुरी नगर की तरफ आ रहा है, अब हम बर्बाद हो जाएंगे। मोटू कुछ करो। अरे तुम लोगों ने नोक तोड़ दिया, जोड़ना पड़ेगा। लेकिन पहले दौड़ना पड़ेगा, मिसाइल हमारी तरफ ही आ रहा है। अच्छी बात में निकालूंगा यार, अभी तो सिर्फ इंटेलिजेंट मोटू ही उसे कंट्रोल कर सकता है। हाँ यार, मैं अभी उसका डायरेक्शन चेंज करता हूँ और ये लग गया नॉब। Oh,
गर्दन में बहुत दर्द हो रहा है। ये चिप, अरे चिप कैसे निकल गई? जल्दी से इसे लगाओ। ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए बल्ले बल्ले, ओए हाय, हमारा मोटू वापस आ गया। बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले, हमारा मोटू वापस आ गया। अय अम्मा, आपको ये बताएगा कि ये सब क्या हो रहा है? अरे मुझे भी नहीं पता। दोस्तों, आज तुम लोगों सिर्फ मौत की वजह से बच गया। इंडिया की कसम, मदर इंडिया की कसम, मौत जैसा इंटेलिजेंट कोई भी नहीं। अय अम्मा, यार तुम तीनों की साइकिल को मैंने खास तौर से बनाया है। इनमें 10 गियर्स हैं और जितनी स्पीड बढ़ानी हो बस गियर बढ़ाते रहना। ऑल द बेस्ट है। थैंक यू। अरे हम ये रेस जीत के रहेंगे क्योंकि फुरफुरी नगर की इज्जत का सवाल है। अरे इसमें हमारे पड़ोसी सुरसुरी नगर के लोग भी हिस्सा ले रहे हैं। वो सुरसुरी नगर का चैंपियन रेसर है, उसे आज तक कोई भी नहीं हरा पाया, लेकिन उसे हम हराएंगे। हाँ। पापा, पापा ऑल द बेस्ट, देखना आप ही जीतोगे। हाँ बेटा, मैं जीत का पैसा लेकर बड़े से बड़ा डॉक्टर करूंगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। Okay everybody, on the start line, race शुरू होने वाली है। सब लोग काली पहाड़ी का चक्कर लगा के यहाँ वापस आएंगे। डॉक्टर झटका और मैं पीछे पीछे सबकी मदद के लिए आएंगे। All the best. Good luck. On your mark, get set. Go! लगता है जॉन ने अपनी साइकिल में कोई जेट मोटर लगाई है जिससे उसे एक्स्ट्रा पावर मिल रही है। ये साइकिल रेस कहाँ हुई? उसकी तो मोटर साइकिल हो गई। वो चीटिंग कर रहा है। ये तो टाइगर की साइकिल है। बचाओ बचाओ। पतलू वो देखो, टाइगर नीचे लटका है। आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, तुम फुरफुरी नगर के लोग बहुत अच्छे हो। थैंक यू वेरी मच। लेकिन वो छोटा आदमी चीटर है। तुम चीटर हो, ये जेट मोटर लगा के रेस करना चीटिंग है। सड़क पे मार्बल फेंकना सब चीटिंग है।
ऐसा रेस के रूल्स में कहीं नहीं लिखा है। क्या करना है क्या नहीं करना है, साइकिल के बारे में भी यही लिखा है। हम किसी भी तरह की साइकिल का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी तरह की, और मेरी साइकिल इस तरह की है। बाय बाय। तुम यही रुको, हम ट्रॉफी लेकर आ भी आता है। मैं शायद अब साइकिल नहीं चला पाऊंगा, मेरे पैर में चोट लगी है। फिर भी कोशिश करता हूँ, मुझे ये रेस हर हाल में जीतनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ओए मोटू पतलू, तुम दोनों यही अटके हो, ये कैसे यार है? अरे जॉन चीटिंग कर रहा है, उसके आदमियों ने हमारे रास्ते में मार्बल्स डाल के हमें गिरा दिया। जॉन की साइकिल में जेट मोटर फिक्स है और वो तेजी से जा रहा है। अगर हमें जीतना है तो एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होगी। ओ, अगर जॉन एक्स्ट्रा पावर यूज कर रहा है तो तुमको भी मैं एक्स्ट्रा पावर दूंगा। पतलू ये लो गोली खा लो, इससे तुम्हें एक्स्ट्रा पावर मिलेगी। और मोटू ये लो समोसे, तुम्हारी एक्स्ट्रा पावर है। लेकिन ये तो चीटिंग है। ये चीटिंग नहीं, बराबरी का मुकाबला होगा। टेक्निकली जॉन सही है, हमने इस रेस में कोई रूल नहीं बनाया। सोचा था साइकिल की रेस में सब लोग साइकिल का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जॉन ने इस गलती का फायदा उठाया। हम उसे जीतने नहीं दे सकते। नहीं 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 नहीं। ठीक है डॉक्टर झटका, लेकिन टाइगर को भी एक गोली दीजिए, वो भी जॉन की चीटिंग का शिकार है। I am feeling better now. Let's go. All the best, मेरी यार। क्या करो क्या करो? Direction check करो। पुरी बाबा। ये तो किसने चीटिंग किया है, हमें गलत रास्ते में भेज दिया है। टाइगर आप रुक जाओ, आप जख्मी हो। नहीं नहीं नहीं, मैं ये मौका नहीं खो सकता। मैं अब शॉर्टकट लेकर फुरफुरी नगर के अंदर से जाऊंगा और सबसे पहले पहुंच जाऊंगा। वो देखो, जॉन फुरफुरी नगर के अंदर से शॉर्टकट लेने जा रहा है। ठीक है, रूल्स के मुताबिक हमें स्टार्ट पॉइंट से वापस पहुंचना है। किस रास्ते से पहुंचना है ये नहीं बताया गया है, चलो हम भी वहीं से जाते हैं। अभी हमें पूरा फुरफुरी नगर पार करना है, रास्ते में ट्रैफिक मिला तो अटक जाएंगे। मोटू कुछ करो। अरे खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, पतलू तुम ही कुछ सोचो। ओके, हम बिना ट्रैफिक के रास्ते से जाएंगे, रूफ टॉप पे चल के। आज हमारी इज्जत का सवाल है। तो फिर चलो, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन आज हमें बिल्कुल हारना है ही नहीं। मोटू पतलू से पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल है, ये लोग हार ही नहीं मानते। मैं भी जॉन द डॉन हूँ, मैं जीत के ही रहूंगा। टाइगर, हे टाइगर।
मोटू सामने वाले रूफटॉप को जंप कर लिया तो उसके आगे फिनिश लाइन है, लेकिन सामने की दीवार एकदम स्ट्रेट है और उस पार क्या है पता नहीं। अरे प्रॉपर लैंडिंग है कि नहीं वो भी पता नहीं। अरे पतलू कुछ भी करो, ये रेस हम हार नहीं सकते, इसे जीतना ही है। तुम ये रेस किस लिए जीतना चाहते हो, 1,00,000 रुपए के लिए या फिर फुरफुरी नगर के लिए? पापा ऑल द बेस्ट, देखना आप ही जीतोगे। हाँ बेटा, मैं जीत का पैसा लेकर बड़े से बड़ा डॉक्टर करूँगा और तुम्हारा इलाज करवाऊंगा। अरे हमें खुशी के लिए जीतना है पतलू, हमें टाइगर के लिए जीतना है ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। मैं भी यही सोच रहा था, तो फिर चलो फिनिश लाइन तक हमें पहले पहुंचेंगे चाहे कुछ भी हो। फर्स्ट आए हैं इसलिए उन्हें ये ट्रॉफी और 1,00,000 रुपए इनाम में दिया जाता है। सॉरी बेटा, मैं जीत नहीं पाया। कोई बात नहीं पापा, नेक्स्ट टाइम। दोस्तों, जॉन ने चीटिंग की थी, रास्ते में बहुत अड़ंगे अटकाए थे, इसलिए टाइगर के पैर में चोट लग गई और वो ठीक से साइकिल चला नहीं पाया, वरना टाइगर ही फर्स्ट आता, इसलिए इस रुपए पे टाइगर का ही हक है। हाँ मोटू पतलू, थैंक यू वेरी मच, तुम जैसे इंसान सब हो जाए तो दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी।